नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। कर्क राशि अगस्त 2024 मासिक राशिफल। शुरुआत करते हैं आपके करियर से। दसम भाव के स्वामी मंगल एकादश भाव में महीने की शुरुआत में और देव गुरु बृहस्पति के साथ रहेंगे, तो जो लोग जॉब करते हैं स्थिति आपकी बेहतर होगी। आप मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्य को आगे ले जाएंगे या फिर पूरा भी करेंगे, जो भी कार्य हैं आपके। अब देखिए, जो व्यापारी भाई हैं सप्तम भाव के, जो स्वामी हैं शनि महाराज अष्टम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी काम मत करें जो कानून के विरुद्ध हो। इसका ख्याल रखिएगा, इलीगल काम ना करें। जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए चीज़ें ठीक है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको लाभ होगा। बस अहंकार से बचिएगा, बिना वजह अहंकार तो बिल्कुल भी ना करें। सबसे बढ़िया व्यवहार बनाए रखें। धन की बात करें तो शुरुआत बढ़िया है। दूसरे भाव में बुध शुक्र धन संचय करने में आपको मदद करेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेंगे और इनकम के रास्ते भी बढ़ते दिखेंगे। शनि महाराज अष्टम भाव में वक्री अवस्था में है तो कुछ यात्राएं करवाएंगे, जो ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, और स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा खर्चा हो सकता है आपके घर परिवार के किसी व्यक्ति का। 26 अगस्त से मंगल मिथुन राशि में द्वादश भाव में आएंगे, तब खर्चे और बढ़ेंगे, यात्राएं करवाएंगे। हालांकि इस महीने खुशियां आपको ज़्यादा है, लेकिन धन के मामलों में थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। 16 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में द्वितीय भाव में जाएंगे, तब सरकारी क्षेत्र से लाभ जरूर होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो शनिदेव के अष्टम भाव में वक्री में रहने से स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर टेंशन होगा। अपना ख्याल रखें और राम रक्षा स्रोत का पाठ करें या सुनें। प्रेम जीवन बढ़िया रहेगा। दूसरे भाव में बुध शुक्र तथा एकादश भाव में बैठे मंगल बृहस्पति, जिनकी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो प्रेम संबंधों में प्रगति है और निकटता बढ़ेगी। रिश्तों का महत्व समझेंगे, एक दूसरे का अहमियत देंगे। वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सावधानी रखना है, क्योंकि सूर्य महाराज सप्तम भाव को देखेंगे तो थोड़ी कठिनाई देंगे, थोड़ी जलाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। सूर्य शनि का सदाष्टक योग भी बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर राहत मिलेगी। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। शुरुआत में बुध शुक्र जैसे ग्रह घर के माहौल को हल्का प्रेमपूर्ण बनाएंगे। मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में रहेगी तो बीच बीच में थोड़ी सी कड़वाहट बढ़ेगा, लेकिन शनि महाराज अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे तो हो सकता है अपनों के साथ थोड़ा टेंशन बढ़ा दें, तो कड़वा बोलने से बचिए। चतुर्थ भाव स्थान के स्वामी शुक्र महाराज आपके शुरुआत में द्वितीय भाव में है तो शुक्र महाराज बहुत हद तक आपकी रक्षा करेंगे, रिश्तों में प्रेम बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको शनिदेव वैसे भी आपके ऊपर ढैया चल रही है तो ओम संग शनिचराय नमः का जप करें और रोज़ भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें तो राहत मिलेगी। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है, लापरवाही आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और इसमें खर्चों पर कंट्रोल रखना है, बेवजह की यात्राएं हैं इसका ध्यान रखना है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।